मैंने लगे भी कौर सिंह शायद फिल्म कोई रोमांटिक फिल्म होगी भी कौर अपनी कुड़ी के पिछले लगता सिंह मुंडे पिछले लगता है मैं कहा जी कि उस कौर सिंह की गलत नहीं जिहड़ा पद्मश्री है कहते हाँ जी वो बायोपिक है मैं तो चाह चढ़ गया कौर सिंह की गल करते कौर सिंह भी वह बंदा है जिन्हें साढ़े बच्चों के लिए एक इंस्पायर किया है साढ़े बच्चों के लिए एक ऐसी लाइफ छड़ी है जिन्हों देख के बच्चे इंस्पायर हो चंगा कुछ कर साढ़े बच्चों कई बार शिकायत होंगी है कि मैं ना बहुत बड़ा पायलट बनना सी पर मेरे फादर को पैसे नहीं सी वो कहते मेरे फादर के पास गाड़ी नहीं थी मेरे फादर के पास मोटरसाइकिल नहीं था मैं तो ये कर दिता पर जो योजना फिल्मा देखे उन्होंने लगेगा भी कौर सिंह को सैकल भी नहीं सी कौर सिंह है वो लाइफ बारे सोच के बहुत सारे लोगों को यह लगेगा कि जे योजा बंदा इंटीरियर जम के बिना साधना तो इतने तक पहुँचता है जिन्होंने बॉक्सिंग बारे कोई ज्ञान नहीं जो तक कोई जवान होंगे नहीं तक अगला कहना बचपन से हमें शौक था बहुत सारे लोग कहते ना भी मैंने बचपन तो शौक से मैं एक्टिंग का शौक से फलाना शौक से खेडा शौक से कौर सिंह बचपन तो कोई शौक नहीं सी जो कोई बंदा कोई भी चीज़ शुरू करता है उन्होंने लगता मैं एक अवार्ड जितना है वो एक अवार्ड जितता है फिर दूजा तीजा चौथा पांचवा सातवां उस तो बाद अर्जुन अवार्ड जितता है फिर पद्मश्री जितता है फिर वो इतने तक किवें पहुँचता मैं कहना ये जो चीज़ें ने ये साढ़े बच्चों इंस्पायर करते हैं कौर सिंह होरां दे नाल मैं जो पहली बार उन्होंने लाइफ के मिलिया मैं तो ऐ देखी गया सिर तो पैरों तक मैं यार ये बंदा इन्ने इंटीरियर जम के ये बंदा फौज भर्ती होंदा इन्ने अवार्ड जितता पद्मश्री जितता मुहम्मद अली नूं हराउंदा बंदा क्योंकि मुहम्मद थोड़ी उम्र छोटी है मुहम्मद अली की जिहड़ी फाइटिंग सी वो इंडिया दे विच बहुत चर्चा च रही सत श्री अकाल जी बहुत बहुत स्वागत है साडे पंजाबी सिनेमा दे विच बड़े सोहने कॉन्सैप्ट दे उपर फिल्मां बन रही ने जिन्हां नूं तुसीं सराह भी रहे हो लेकिन जेकर असीं बायोग्राफी बेस्ड फिल्मां दी गल करिए बेशक वो बॉक्स ऑफिस ते कमाल किते कर पाईआं या नहीं लेकिन अवार्ड्स दे नाल ते वह भी सन्मानित होईआं ने सो एक अजिही फिल्म पद्म श्री कौर सिंह जी की जीवनी ते बनी जिन्हां दे बारे वाकई असीं सारे नहीं जानते सी लेकिन जो ये फिल्म बनी तो हर कोई उन्हां दा जिक्र कर रहा सी और हर कोई हुण उन्हां दे बारे जानन लई उतावला है जिन्हां ने मुहम्मद अली वर्गे बॉक्सर दे नाल किसे समय फाइट कीती सी फिल्म दे विच एक अहम किरदार निभाउण वाले अजिहे किरदार मलकीत रौनी सर जो कदे अपनियां फिल्मां दे राही सानूं हसाउंदे ने कदे अपने किरदारां राही सुनेहे दिंदे ने सो फिल्म दे विच इस फिल्म दे विचले उन्हां दे किरदार दे बारे आपां उन्हां नाल गलबात करके जानते हैं सर बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत मेहरबानी जी रोजाना स्पोक्समैन दे सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल हमेशा तुहाडे किरदार फिल्मां दे विच वक्खरे वक्खरे हुंदे आ वक्खरी वक्खरी छाप छड्दे आ कौर सिंह जी की जीवनी ते फिल्म बनी है जो तुसी इस फिल्म की कहानी नू सुनिया सी ता थोड़े की एहसास से देखो जो तो मेरे नाल गल हुई ना मैं थोड़ा जा पहला कौर सिंह बारे अखबारों राही कि माड़ा मोटा पढ़िया होया सी कि कौर सिंह नाम का एक बंदा है जिन्हों पद्मश्री मिले है बस मैं इन्ना पता सी ये भी नहीं पता कि कहड़ी गेम च उन्हें जितया है जो मेरे ना उन्होंने गल की कि असं ना एक फिल्म बनाने लगे हैं भी वह नाम कौर सिंह है मैंने लगे भी कौर सिंह शायद फिल्म कोई रोमांटिक फिल्म होगी भी कौर अपनी कुड़ी के पिछले लगता सिंह मुंडे पिछले लगता मैं कहा जी कि उस कौर सिंह की गलत नहीं जिहड़ा पद्मश्री है कहते हाँ जी वो बायोपिक है मैं तो चाह चढ़ गया सो मेरा ना शुरू तो ए रहा क्योंकि मैं थिएटर करने वाला बंदा सी जो मैंने कोई फिल्म आई मैनू मैं कदे नहीं पूछा कि मेरे ये किन्ने सीन ने मेरा ये किन्ने दिन का काम होगा मैं मेरा मेन मकसद ये होंगे कि वह फिल्म की कह जा रही है वह फिल्म कद बनाई जा रही है वह फिल्म का जो मैसेज की डिलीवर होगा सो जिमें अरदास वर्गी फिल्म सी 16 च आई वो फिल्म दे विच मैं दो ही डायलॉग बोले सारी फिल्म मंझ ते बैठा रहा उस तो बाद 19 दे विच दूजी अरदास कराई उस बहुत लंबा चौड़ा कम सी उसे प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आई बाद दे विच मां उहदे विच मेरा इक्को सीन सी पर मैनूं लगे वो सबजैक्ट एडा बड़ा है वो टाइटल एडा बड़ा मां मैनूं उस काम करना चाहिए सो इस तरह जो ये फिल्म मैनूं लगी भी उस कौर सिंह ते बन रही है मैंने लगता भी ये फिल्म का मैंने हिस्सा जरूर बनना चाहिए क्योंकि चंगे जिहड़े सबजैक्ट ने वो साडे समाज दे विच बहुत थोड़े बनते हैं ये असी मैं इनू कहूँगा कि ये रीयल हीरो की फिल्म है साडी लाइफ के जिहड़े मैं समझदा साडे रीयल हीरो कौन ने भगत सिंह साडा रीयल हीरो है करतार सिंह सराभा है जिन्हां ने साडे मुल्क लई साडे लोकां लई कुछ किया उन्हां तों बाद जिवें आपां कौर सिंह की गल करदे कौर सिंह भी वह बंदा है जिन्हें साढ़े बच्चों के लिए एक इंस्पायर किया है साढ़े बच्चों के लिए एक ऐसी लाइफ छड़ी है जिन्हों देख के बच्चे इंस्पायर हो चंगा कुछ कर मतलब समाज का नाम बड़ा करन कहने का भाव उन्होंने तो बाद काम कर इन रीयल हीरोज़ से फिल्म जरूर बननी चाहिए है क्योंकि
असी जिहड़े फिल्मां दे विच हीरो क्रिएट करदे ना ਉਹ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਡਾਂਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਗਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਰਮਯੋਗੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਪਾਸ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਪਾਸ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੰਮਦਾ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੋਚੂਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡੀ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਰੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ, ਬੌਕਸਰ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਧਾਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਕ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਲ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੌਕਸਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕੁਛ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਮੈਰੀ ਕੌਮ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਜੰਮ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੌਕਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਥਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਖੇਡਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਈਫ ਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਕਸਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਰ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹਜੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਸੱਤਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਜਿੱਤਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੇਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਉ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੇਕਰ ਸੋਚੂਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਗਰ ਵਸਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟਰੀਟ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਰ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੇਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਪੇਂਟਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾ, ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾ,
गीत गाने वाले तो हम गीत नहीं फैला, अदाकार तो अपने अदाकारी नहीं फैला, भी असं समाज के इदा चंगी चीज़ों का फैलाव कर सकते हैं ताकि साडा समाज है इत्थे होर किसी ने नहीं रहना, साडे बच्चों ने रहना कि समाज सोहना बन सके। सो ये सुपने से मैं कहना वो तो फिल्म आनी चाहिए। एक होर जी वी सा ड्रॉबैक है, मैंने अब गलों चो मतलब ध्यान आँगी गल ये, असं कोई भी फिल्म यह जी नहीं बना सके अज तक, ये साड़ी भी त्रासदी है। कोशिश करांगे असं अपने प्रोड्यूसर साहबान डायरैक्टर साहबान बेनती करांगे कि जेडे बंद ने किसी भी चीज़ की खोज की है, मान लो किसी ने माचिस की खोज की है, किसी ने माइक की खोज की है, किसी ने कंघे की खोज की है, कोई भी खोज की है, उस बंद की लाइफ तो फिल्म आनी चाहिए है। क्योंकि जदों वो बंदे ने स्ट्रगल शुरू की है, जदों उस बंदे ने कोई नवी चीज़ ईजाद करने की कोशिश की है, उन्होंने बहुत सारी दिक्कत आई हो घर ने भी गलत कड़ी हो नुकसान करिए। मैं बंबू कार्ड फिल्म की एमी बिर कहता भी मैं लारी बनानी है, मैं वह फादर से मैं गलत कड़ी मखल है सरकारी लारियां चलदियाँ नहीं, ये अपनी घर की बना फिर वो कहते नहीं नहीं बापू जी ये पुली पा के ए पा के बनी मैं बहना मैं तिल फिरे। सो मैनू ए लगता सी उतों साढ़े बच्चों एक नवी चेतना मिलती है कि जे आ बंदा बिना साधना तो इन थोड़ा दे काम कर सकता तो सानू जरूर ये पिछे लग के कोई ना कोई काम करना चाहिए ताकि साडा समाज में ना हो सानू समाज के लिए अगे बढ़ने का मौका मिले, साडा समाज में साडे ते प्राउड फील हो। सो मैनू बड़ा प्राउड फील हो रहा जी कि मैं इस फिल्म के काम किया, इस बहाने उन्होंने नाल मिलने का मौका मिले कौर सिंह होरां दे नाल। मैं जो पहली बार उन्होंने लाइफ के मिलया मैं तो ये देखी गया सिर तो पैर तक, मैं यार ये बंदा इन्ने इंटीरियर जम के ये बंदा फौज भर्ती होंदा इन्ने अवार्ड जितदा पद्म श्री जितदा मुहम्मद अली नूं हराउंदा बंदा, क्योंकि मुहम्मद थोड़ी उम्र छोटी है, मुहम्मद अली की जिहड़ी फाइटिंग सी वह इंडिया दे विच बहुत चर्चा च रही, बहुत बड़ी चर्चा सी उहदी। सो उस तो बड़ी जिहड़ी त्रासदी है असी फिल्म राहीं भी पेश करदे हां, वह त्रासदी यह है भी इन्नी हाइट ते जाण तों बाद जदों बंदा घरे आ जांदा है ते उस बंदे नूं बीमार होण लई इक मीडिया राहीं अपील पहुँचती है ते शाहरुख खान वर्गा बंदा उहनूं पैसे भेजदा, मतलब असी समझते हैं भी उत्थे साड़ी सोसाइटी साड़ा समाज कित्थे है। हालांकि असी पंजाब दे लोक असी कहने असी बहुत दानी लोग हाँ, असी छबीलां लाने वाले लोग हाँ, असी लंगर लाने वाले लोग हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा कार्ज है। सानू छबीलां भी लाने चाहिए, लंगर भी लाने चाहिए, साड़ी परंपरा है, सब कुछ करना चाहिए, पर मैनू लगता यह जे लोगों उजागर करना अगे लैके आना आने वाली जनरेशन लिए अगे लैके आना ये भी साडे काम ने, साडियां संस्थावां दे काम ने, ये भी साडे लोगों के काम ने। असी सरकार ते भी गुस्सा करते हैं पर मैं कहना सरकार दूजे नंबर ते इस करके आउंदी है क्योंकि सरकार असी चुनी है, असी सरकार तो कदे मंगे नहीं की, असी सरकार तो मंग करिए भी जिहड़ा बच्चा साडे लई आह मैडल जित के लिआउंदा है साडे लई समाज में कोई नवा करदा है असी उहदे लई आह चीज़ करिए, असी उहनूं लोकां सामने लैके आईए, असी उहनूं बार बार डिस्ट्रिक्ट वाइज घुमाइए, असी उहनूं स्कूलों च लैके जाइए ताकि बच्चे उहनूं देख के होर अगे वधन, बच्चे उहनां दे नक्शे कदमां ते चल सकन। सो ये काम सानूं लगदा सिनेमे दे हिस्से जिहड़ा काम आया है वो साढ़े मेकर साहबान का धन्यवाद है, डायरैक्टर साहबान प्रोड्यूसर साहबान का धन्यवाद है कि उन्होंने यह जे सब्जेक्टा फिल्म बनाने की सोची है। सो चंगा शगन है पंजाबी सिनेमे लिए, साढ़े को बहुत सारे सब्जेक्ट ने जिन्हें बहुत सारिया फिल्म बनी बाकी ने, पर बहुत अच्छी शुरुआत है। हरजीता बनी, यह फिल्म बनी, दारा सिंह वर्गे बंद आप जानते हैं, जी सब तो बाद वाली जनरेशन होगी उन्होंने पता नहीं दारा सिंह कौन है, उन्होंने फिल्म बननी चाहिए सी। सो इदा बहुत सारे लोग साड़ी समाज दर्सनैलिटीज़ ने जिन्हें फिल्म बननी चाहिए, एक डाकूमेंटेशन है। मैं कहना जो आने वाले 100 साल बाद साढ़े बच्चे देखेंगे अच्छा भी आह बंदा साढ़े समाज का सी, आह बंदा साढ़े जिले का सी, आह बंदा साढ़े स्टेट का सी। सो ये चंगी गल है। तुसी बहुत सारे सवालों के जवाब दे ही दिते हैं। वैसे अगर असी गल करिए थोड़ा तजुर्बा है फिल्मों सिनेमा तुसी पंजाबी नू उभरते हुए भी देखा फिर वो बैकड्रॉप भी देखा, तुसी इस समय गलबात की है फिल्मी दुनिया नाल जुड़े हुए लोगों की चाहे वह डायरैक्टर हो चाहे वह राइटर हो कि उन्होंने किन्ना सब्जेक्ट्स के उपर काम करन की जरूरत है क्योंकि साढ़े पंजाब दे विच इहो जिहियां बहुत सारिया कहानियां पईयां है, व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वह किन्ना चीज़ों नूं प्रमोट कर रहा क्योंकि हर किसी अप्रीशिएशन की तो जरूरत होंगी है। थोनू की लगता व्यक्तिगत तौर पर असी अपनी जिम्मेदारी कदों समझांगे या उहदा की तरीका हो सकता? अज ना कलाकार नूं डायरैक्टर नूं प्रोड्यूसर नूं दोष देना सब तो सौखा हो गया क्योंकि वह कल्ला ही बंदा है, मतलब की तरह एक बंदा है, इहनूं कोई भी गल कढ सकदा फेसबुक पर, कोई भी माड़ा चंगा कह सकदा, किसी भी कलाकार नूं कह सकदा, कह दिंदे अक्सर तो देखदे आपां क्योंकि कल्ला बंदा है। असीं कहिंदे कोई पोलिटिकल पार्टियां भी साडे पिछे 2000 वर्कर खड़ा है जिहड़ा तुहानूं काउंटर जवाब देगा। सो मैनूं लगदा वी सानूं एक दूजे नूं दोष देण दी बजाए ना असीं सारियां धिरां रल के जिहदे च तुहाडा मीडिया दे बहुत बड़ा योगदान है, साडा कलाकारां दा बहुत बड़ा योगदान क्योंकि कलाकारां नूं मैं समझदा कि सानूं बनाया लोगों ने, असीं किसी फैक्टरी 'च नहीं बने,
सानू कोई सरकार ने नहीं बनाया, साडे नाल कलाकार लोगों ने शब्द लाया, लोगों ने सानू प्यार दे के इत्थे तक लैके आंदा, साडा भी फर्ज बनना। मैं मुकरदा इस बारे तो सानू सारियां धिरां नू रल के ना पॉजिटिविटी की गल करनी चाहिए है। समाज के इस टाइम बहुत नैगेटिविटी है, बहुत सारे साढ़े बच्चों ऐं लगन लग गए टीनेजर भी इतने कुछ नहीं रखे, आप चलीए बाहरले मुल्कों च। जिहड़े मुल्क ने थानू पाल पोस के 20-22-25 साल का किया, मतलब कॉलेज च रुग भरया जाता है, जिहड़े मुल्क ने थानू इन्ना बड़ा किया, इन्ने बोलन लायक किया, इन्ने सोचण लायक किया, इन्ना पढ़ाया, तुसी उहनू छड्ड के यह कह दिंदे हो भी इतने कुछ नहीं, ये तो खत्म हो गया। मान लो मैं कहना प्रॉब्लम आ सकती है, मेरे हाथ के पांच उंगलियां हैं, मेरी इस उंगली से सट लग गई, मैं तो इलाज करूँ, मैंने बढ़ के थोड़ी सट दूंगा। जे जो कोई प्रॉब्लम हैगी साढ़े समाज तो सानू आप नू ठीक करनी चाहिए है, असी ठीक करिए। हुण जदों साढ़े सारे इंटैलीजेंट लोग साढ़े बाहर चले गए, इस मुल्क नू कौन संभूगा? साढ़े चंगे डॉक्टर, साढ़े चंगे इंजीनियर, साढ़े चंगे राइटर जे सारे बाहर भज गए। मैनू पता बच्चों की गलती नहीं है, एक गलती साढ़ी बड़ियां दी है, असी उन्होंने चंगा राज प्रबंध नहीं दे सके, उन्होंने लियाकतों का मुल नहीं पा सके। यही कारण है अज वह सारिया सेवावान इतों सीख के दूजी कंट्रीज दे रहे हैं, मानवता का भला कर रहे। मैं ये खिलाफ नहीं है, पर इतने भी तो कोई रहे ना, कहने भी जेडे माँ बाप ने पालिया थानू, पांच मुंडे से पंजे छड़ के लंघ गए, छेवीं कुड़ी छड़ के लंघ गई, वो आए तो कर लेंगे भी एक तो रहो घर, बाकी असं समाज की सेवा करते, एक तो माँ बाप की सेवा करो। सो ये साढ़े लिए पक्ष भी सोचना जरूरी है। फिल्मों के जोड़े भी थोड़े किरदार होंगे, चाहे वह नैगेटिव भी हो, कोई ना कोई सुनेहा जरूर दे रहे होंगे सानू, असी उन्हों तो सुनेहे लैने भी हाँ। तुसी अपना इन्ना जो अरसा अपनी जिंदगी का इस कला दिता है, तुसी अपने लिए इंस्पिरेशन कितों लेंगे हो, तुसी कितों सीखते हो? देखो मैं ना जदों इस लाइन के आया रंगमंच आया, मैं छेवीं क्लास पढ़ता सी, भाजी गुरचरण सिंह, भाई मन्ना सिंह उन्होंने काम शुरू किया। हुण मैनूं लगदा गुरचरण सिंह की फिल्म बननी चाहिए है। गुरचरण सिंह वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान आजाद होया 1947 के, जिहड़ा पहला प्रोजैक्ट पंजाब दे विच लग्गिया सी, हिंदुस्तान का पहला प्रोजैक्ट उह सी नंगल भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम जिहड़े पंज इंजीनियर बनाउंदे आ, उन्हां चों गुरचरण सिंह एक बंदा है। उस बंदे ते फिल्म बननी चाहिए भी इंजीनियर बंदा जिन्हें नंगल डैम बनाउण च मदद की, वह बंदा लोगों नूं पिंड पिंड जाके अवेयर करता राइट्स प्रति। बिल्कुल सानू यही पता है कि वह एक थिएटर आर्टिस्ट ने, आ नहीं पता, नहीं पता किसी लोगों नूं। जिहड़ा बठिंडे दे विच थर्मल प्लांट जिन्हों कहिंदे वी ढाउण जा रहे हैं, चिमनियां बनियां बड़ियां, वह सीमेंट टैक्नोलॉजी के इंजीनियर से, उन्होंने बनाईया हुई हैं। सो गुरचरण सिंह वड्डी शख्सियत सी, उन्हां दी फिल्म बननी चाहिए, वह बंदा की सोचता सी, उन्हें सारी उम्र लोगों लिए क्यों लाई, वो मन च कोई गल होगी ना, वो कोई तो विचार होगा, वो बराबरी के विचार की गल करता सी। सो यही मैं लगता है भी साढ़े समाज के जो अभी तुरते फिरते, उन्होंने मैंने शौक लाया, उन्होंने मैंने चेटक लाई किताबा पढ़ने, जो किताबा असी पढ़िया, किताबा पढ़ के रंगमंच करते रहे, थोड़ी जी सोच डिवेलप हुई, फिर असी टैलीविजन च आए, फिर सिनेमे च आए, जो सिनेमे बारे जानकारी मिली सानू लग्या कि सिनेमे के बहुत बड़ी संभावनावां है, सिनेमा बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, थोड़ी गल दूर तक जा सकती है। सो सिनेमे दे विच अपनी मदर टंग नूं, अपनी माँ बोली नूं, ते अपने कल्चर नूं प्रफुल्लित करन दीआं बहुत वड्डीआं संभावनावां। सो इहदे विच कम कीता जाणा बाकी है। अज इक सर्वे दसदा है भी जिहड़े 45-46% लोग ने उह सिनेमा देखदे आ पंजाब दे, हजे साडे कोल बहुत गिणती सिनेमा देख नहीं रही। हुण साडी कैपेबिलिटी असीं उहनां नूं किवें लै के आउणा सिनेमे तक, असीं चंगीआं चीज़ां पेश करांगे, उह लोकां दी गिणती वधणी है। फिर साढ़े जिहड़े बच्चे माइग्रेट होए बाहरले मुल्कां दे विच, वो जिथे गए सिनेमा नाल गए, असीं उत्थे उत्थे भी नाल जाणा। इस तरह साडा कल्चर, साडी बोली पूरे विश्व विच फैलणी है, ये संभावना साडे कोल हैगी है। ये सानू मैनूं लगदा वी सानू हौसला दिंदी है, सानू इहदे उत्ते ही हिम्मत मिलदी है कि सानू लगे रहना चाहीदा, जिन्ना कि साडे कोल बित हैगा, जिन्नी कि साडे कोल कैपेबिलिटी हैगी है, जिन्नी कि साडी उम्र हैगी है, वो सानू इस काम ते लाउणी चाहीदी है। यही कारण है भी असीं उह संस्था बना के पंजाबी फिल्म एंड टीवी एक्टर्स एसोसीएशन, असीं सारिआं नूं इकट्ठे करके लगे हैं कि इकट्ठे होइए, इकट्ठे हो के सिनेमे की जिहड़ी शक्ति है उहनूं समाज के चंगे कार्जां लई वरतीए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, उम्मीद है कि थोड़ा इस फिल्म का किरदार भी सानू कोई ना कोई सिक्ख्या जरूर देवेगा। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू। सो ये सन साडे नाल मलकीत रौनी, जिन्होंने बखूबी इस फिल्म नू साडे सामने रख दिता है कि ये फिल्म क्यों बनाई गई है, तो सानू सिनेमाघरां दे विच जाके क्यों देखनी चाहिए है। वाकया ही साडी सोसाइटी दे विच अजिहियां बहुत सारिया कहानियां मौजूद है जिन्हां दी पहुँच साडे तक नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म दी पूरी टीम दे वल्लों ये उपराला किया गया। उम्मीद है 22 जुलाई नू रिलीज़ होने वाली फिल्म पद्म श्री कौर सिंह जी दी जीवनी ते बनी थानू बेहद पसंद आएगी।